हेलो एवरीवन, मैंने तुमसे सिर्फ चेस करने के लिए नहीं बोला था। मैं ना आज यौन से रात को मिलूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम ना उसे हमसे दूर लेकर जाओ। जैसिका हमेशा हमेशा यौन के साथ होती है। जब भी मैं यौन को देखने जाता हूँ, वो ना मोक्षी की जासूस हो सकती है यौन पर नज़र रखने के लिए। मुझे हमारी मीटिंग उससे छुपानी होगी। तुम और मिस कैंग? हाँ, मैं समझ गया। वो ना इलेक्शन में खड़ी होने वाली है, तो हमें दुश्मन प्रटेंड करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, चिंता मत करो, मैं जैसिका को अच्छे से हैंडल करूँगा। क्लोनल वेल, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता ही हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ मीटिंग कर सकता हूँ? सॉरी, मैं बिजी हूँ। क्या तुम डर रही हो कि मैं तुमसे बदला ले लूँगा? अगर तुम ऐसे मुझे भड़काओगे ना, ये काम नहीं करने वाला। अपनी ना सांसें संभाल के रख लो। अगर तुम्हें लगता है वो जो लास्ट नाइट की गेम थी उसने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करा, तो चलो आज रात भी इसे कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगा था कि तुम ये ब्रेव बोल रहे हो, बट एक्चुअली तुम सच में ऐसे ही हो, छुई मुई। तुम्हारे पास स्मॉल ब्रेड्स हैं, तो तुम्हारे पास चिकन का दिल होगा ना? तुमने क्या कहा? मैं तो सिर्फ सच ही बोल रहा हूँ। बैंग उत्तरी की। सॉरी, मेरा तुम्हें डिस्टर्ब करने का मतलब नहीं था। एक्चुअली तुम्हें मेरे साथ पुरुष में रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समय ना और ऐसे स्पेंड करना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स है ना, एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा उनमें। क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए कुछ स्नैक्स खरीद सकती हो? मैं प्लीज़ मुझे कॉल करना एनी टाइम अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो। मैं कॉल करूँ? ओह, ये मुश्किल होगा। ओके ग्रेट, ये बाहर आ गई। एनीवे, गायन ऑफिस में काम करे कुछ भी नहीं होगा। मुझे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लेना चाहिए। मैंने बहुत दिनों से ड्रिंक नहीं करा जब से मैं गायन के साथ रह रही हूँ। 2 शॉट्स ऑफ विस्की स्ट्रेट प्लीज़। ये तुम हो फिर से? मिस्टर क्लोना, क्या तुम अभी सो रहे? तुम्हें सोना नहीं चाहिए। उस लड़के ने क्या तुम्हें लास्ट नाइट सेटिस्फाई नहीं करा? क्या फ़न है मुझे टीस करना? क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है मुझसे मैच करने की? यो ब्रैड, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में ऐसे छूमी हूँ? तो फिर मुझसे लड़ के देखो। ओ मिस्टर कॉलर, मेरी हिम्मत नहीं ड्रिंक करने की, बट मुझे डर है कि आपके पास मेरे अंदर हिम्मत है ड्रिंक करने की, बट मुझे डर है कि आपके पास पैसा नहीं होगा। मेरे पास पैसे हैं। हाँ, 1 घंटे बाद उत्तरी की। नाइस, रुको मच्छर, चलते हैं। चलो जी। मुझे डर है कि मेरे पास आज टाइम नहीं। जैसिका मुझे देख रही है। चिंता मत करो, मैंने किसी से बोला है कि उससे पीछा छुड़ा है। गायन, मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। मैंने भी यान। देखो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरे कंपेनियंस के बारे में। मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स रेड में मार्क करा है, और तुम्हें ना बाकी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके जब से हमने गुडबाय करा था, सिर्फ इसके पास 24 घंटे ही थे, बट इसने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कराए हैं इतने समय में। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद डील कर सकती हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें और रेस्ट करना चाहिए। मेरे पास कोई चांस नहीं था तुम्हारा ध्यान रखने का जब तुम शैतान के साथ प्रेग्नेंट थी, बट मैं तुम्हें इस समय थकाऊँगा नहीं। थैंक यू हनी। जियो, तुम्हारे बाल ऐसे लगता है कि थोड़े से बड़े हो चुके हैं। और कुछ? और रात तक जगो मत, तुम थके हुए लग रहे हो। श्योर। प्लीज़ बी जेंटल, मैं समझ गया। जियो जियो। बैंग बैंग। क्या ये ऑलरेडी 7 बज चुके हैं? हे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम सरेंडर करना चाहती हो? मुझे जाने दो, किसी और दिन पियेंगे। मैं तुम्हारे लिए हैमलेट लेकर आऊँगी। तुम नहीं जा सकती। चलो चलते हैं। मैं से अभी वापस नहीं जा नहीं दे सकता। मिस्टर होपफुल ने मुझे ऑर्डर कराया कि इससे भी हट वहाँ ना जाने दूँ। तुम जानते हो क्या ये तुम्हारा होना है कि तुम ऐसे ड्रिंक कर पाए? अब मुझे ना ऐसे परेशान मत करो। तो तुम एडमिट कर रही हो कि तुम ये गेम हार चुकी हो? नहीं, तुम अभी अभी पहले आ रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अशोक, हाँ है यार, क्या तुम क्रेजी हो? कार को रोको अभी। तुम ड्राइव नहीं कर सकते जब तुमने ड्रंक कर पी रखी है। मुझे तुम्हारे साथ मरने मत दो। मैं कितनी लकी हूँ कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हारा क्या पर्पज़ है मुझे कार में बैठाने का? बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो क्या? मजाक है। ड्यूक टेरेस ने तुम्हें ऑर्डर कराया ना ये सब करने के लिए, राइट? होली शिट। अगले दिन, मिस गाया मुझे माफ़ कर दीजिए। लास्ट नाइट मैं एक ओल्ड फ्रेंड से मिली थी और फिर उसके साथ ड्रिंक करने लगी। मैं थोड़ी सी ड्रंक हो गई थी तो मैं वापस लेट आई। ऐसा लगता है
ऐसा लगता है कि विल ने कोई स्पेशल रास्ता इस्तेमाल करा है इसे डिस्ट्रैक्ट करने का। ये ठीक है, मैंने किसी से बोला था कि तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर ले, चलो पहले खा लेते हैं। ओह 15 मिनट बाद, क्या तुम रेडी हो? रेडी हो जाने के लिए सर, चलो चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि मार्कस स्मिथ मेरे साथ एग्री होगा अगर मैं लिबरल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव बनूंगी तो। ऑफकोर्स, बट तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास अभी भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं और उसके पास कोई सुइटेबल कैंडिडेट नहीं है। भूलो मत कि उसके पास उसकी बेटी है। तो मैं एक और सुइटेबल पर्सन को रिकमेंड करना चाहूँगा, मेरी डॉटर एनी। श्योर इनाफ, मीटिंग ख़त्म। मिस गायन एक स्कैंडल में इन्वॉल्व है और वो स्टेलमेंट है प्रिंस ऑफ ए कंट्री के साथ। ये सुइटेबल नहीं है कि इलेक्शन बिल चलाए, इसीलिए मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं भी नहीं। अब ये 7-7 ड्रॉ है, हम सिर्फ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं। मिस खान ने अभी भी पार्टी ज्वाइन करी और जो पूरी पार्टी है ना इलेक्शन की, वो बहुत अनफेवरेबल है हमारी तरफ। मैं ऑलरेडी एक प्लान के साथ आ चुकी हूँ, चलो इसे बाद में डिस्कस करते हैं। होटल हॉल, मिस्टर ड्यूक, मिस साकी, क्या इत्तेफाक, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप यहाँ रहेंगे। मिस साकुरा, आप भी यहाँ आई हैं? यस, मैं सिर्फ अभी एयरपोर्ट से आई हूँ, मैं यहाँ मेरे पापा की जगह पे बिजनेस डिस्कस करने आई थी। पता लगाओ ये एफ कंट्री क्यों आई हैं। यस सर, मेरे को अभी भी चाहता हूँ कि मैं तुम जैसिका से डील करो, क्या तुम ये कर सकते हो? मैं कर दूँगा सर, और ये थोड़ा सही नहीं होगा। मैं उसे कॉल करता हूँ और मिस किसी भी समय। हाँ, मिस खान ने पार्टिसिपेट स्टार्ट कर दिया है पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। अगर ऐसा करता रहा तो जल्द ही उनके खुद की इमेज इन एफ कंट्री के लोगों में बॉयल कर लेगी और फिर सपोर्ट पा लेगी। वो कभी भी मुझे निराश नहीं करती। इस न्यूज़ को और आगे बढ़ाओ। यस सर, अभी वापस आए वैसे 2 दिन पहले, और जो वाटर है ना वहाँ पे, वो सीरियसली पोल्यूटेड है क्योंकि फैक्ट्री डेवलपमेंट के वजह से। और जो जीएम ग्रुप है ना, उनमें इन्वेस्ट करा है 30 मिलियन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोजेक्ट में। मिस गैंग, हमारे 2 शोज ने ना अच्छे रिव्यू लिए हैं, आपका जो सपोर्टिंग रेट है ना वो बढ़ रहा है। जैसिका, यस मिस काया, आपने क्या कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम आज का बहुत थकी थकी लग रही हो। ओह मुझे माफ़ कर दो, टाइम इट सारे उस पास्टर की गलती है। रूम 406 रॉयल होटल, और 1 o'clock आफ्टरनून में। क्या तुम चाहते हो कि मैं वो करूँ जो तुम कहोगे? अच्छा ट्राई है। क्या तुम अपना नेकलेस नहीं चाहती? बास्टर्ड, लेट मत होना। तुम सच में क्या बोलूँ मैं, क्लोनल फील, ये समय है कि इस गेम को एंड कर दूँ। कम इन प्लीज़, बैठिए, मैं एक कुछ ही समय में रेडी होता हूँ। ये काम के मूड में, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करा है, और 5 मिनट तक मत बोलना। इसने मुझे आने के लिए बोला, बट प्रटेंड कर रहे बिजी हो ना, क्या है? मेरी कैसे इच्छा हो रही है कि मैं इसे इसके फेस में शूट कर दूं। सीरियसली, ये अभी भी काम कर रहे हे? तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? वेल, मैं मैं समझ गई, मैं जानती हूँ कि तुम इसे बिलीव नहीं करोगे, मैं तुम्हें ना इन दिनों मिस कर रही थी। नहीं होने वाला ये। ओह यह, मैं तो पता भी नहीं लगा पा रही है खुद ही कि तुम मोस्ट स्पेशल आदमी हो जिसके साथ मैंने अभी तक मिली हूँ। हे, तुम मेरे कपड़े कैसे फाड़ सकते हो? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा नेकलेस कहाँ है? तुम मुझे मारना चाहती हो? एक लास्ट टाइम, मेरी चीज़ कहाँ है? मैं जानता हूँ, बट मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा दिमाग अभी बाहर निकाल लूँ तो? जो मर्जी करो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ कह ही हूँ? शायद हमें तुम्हारे पैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं इन्हें से सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रखा है। कौन सा बैग और चाबी कहाँ है? ये फिंगरप्रिंट है, इसका मतलब है कि मुझे वहाँ खुद होना होगा। गुड, अब हम उसे लेने जा रहे हैं। ये अच्छे से रहो, वरना मुझे नहीं पता कौन सा पार्ट तुम्हारा मैं बुलेट घुसेगी। ओह मैं तो डर गया। प्लीज़ अपनी गन को टाइटली पकड़िए। क्या शिट, वो जो ड्रिंक जो मैंने पी थी, तू रट, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं करा था, तुमने खुद ही पी थी। मिशन कंप्लीट। मिस, जो इनविटेशन ओनली, मुझे आपसे बोल रहा हूँ कि आप यहीं रहें। हाँ फाइन, सिर्फ यहाँ इंतज़ार करो। ओके,
आप चलो वेलकम करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट आज़ाद के लिए। फाओ जियो और श्योता, फाओ कितना ब्यूटीफुल है। मम्मी मम्मी मैंने आपको मिस करा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस करा। श्योता मेरे पास वापस आओ। इनका तो बहुत पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया, तो फिर किसे कस्टडी मिली? कम ऑन, वो डो जिसके पास पावर है ऑफकोर्स उसे ही, ड्यूक टेरेसा। एक ठीक है बच्चे के लिए उसकी माँ को मिस करना, मिस गैंग है ना शैतान की मॉम है, प्लीज़ उन्हें अलाउ करें इस मोमेंट को एंजॉय करना। हेलो एवरीवन, ये वाला ट्रांसलेशन था, आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, पे कमेंट करना ना बोलना। थैंक यू।